अच्छा इधर खड़े हो जाओ आकर के, मत बोलना ठीक है। कौन सा गांव है ये, कौन सा गांव पड़ता है ये, कौन सा गांव है ये? नवादा गांव है। नवादा राजघाट। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ये गांव है राजघाट, नदी का किनारा है, ये देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, नदी भी बहुत बड़ा है। और ये रोड है, यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं और स्कूल भी है। जो कहना चाह रहे कि यहाँ पे जो रोड है कच्ची है और स्कूल पड़ा है, दिक्कतें होती है तो इनको काफी तरह की दिक्कतें होती हैं। लोग बात करना चाहते हैं, इनसे बात करिए। देखिए ये रोड है एकदम कच्चा है ये, और ये अभी लंच हुआ है तो बच्चे यहाँ पर हैं, ये देख सकते हैं। और ये देखिए स्कूल है, बच्चे कितने उत्सुक हैं बताने के लिए। अच्छा एक मिनट रुकना, थोड़ा आप लोग बात करोगे कोई? में से कोई ना आप बात करो। क्या नाम है आपका बताओ बताओ? अच्छा नहीं बात करना चाहती। क्या नाम है दादी आपका? हमरा हाँ लालमुनी देवी। अच्छा ये आप किस गांव से अभी आ रही थी? राजघाट नवादा से। अच्छा हाथ में कुछ लिए हैं, कहीं जा रही हैं? हाँ जाई थी जानीपुर इमरजेंसी। अच्छा तो दिक्कत नहीं होती ऐसे रास्ते से निकलने में? दिक्कत हो का करी हमने तक, यही रास्ता रहे कम से कम तो यही रास्ता है। हाँ यही रास्ता में है, ओने में आवे ला तो हवा हवाई में आवे तो कैसे से आवे। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं आपको, परेशानियां क्या क्या होती हैं आपको? परेशानी तो यह है कि कच्चे से आवे ला तो दिक्कत हो है, गिरा ही ले आओ बोलना टूटता है जो होता है। तो कभी इसकी शिकायत नहीं की कि इसको पक्का बनना चाहिए? शिकायत तो है कि सब कहे कि पक्की बनता, पक्की होवे ना पड़ी सही है, पक्की होता ही है। क्यों नहीं पक्का होता है? थैंक यू। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है आप लोग बता दो, क्या हुआ, डर रहे हैं बच्चे? सोनू। अच्छा बताओ क्या नाम है आपका? स्वीटी। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजघाट नवादा। कहाँ से आती हैं? बहरामा। बहरामा से। तो यहाँ पे निकलने में दिक्कत नहीं होती है? होती है, गिरा बारिश में। अकेले आती हैं? नहीं दोस्तों से। अच्छा कभी कोई घटना घटी जैसे आप लोग साथ में आते हैं तो किसी का कभी पैर फिसला हो या कचड़े कपड़े खराब हो गए हो? कपड़े खराब हो गए खबर लड़ जाएगी अक्सर। थैंक यू। देख सकते हैं ये सारे बच्चे एकदम से आ गए हैं ताकि इनके साथ में जो ऐसे है लेकिन बात करना थोड़ा कम चाहते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? एक मिनट शांत रहो बाबू। क्या नाम है आपका? मरे मरे हो। आप पढ़ने आई हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? यहाँ पे कौन कौन से स्कूल है? एट है और नाइन है और टेन है। अच्छा और इंटर तक है? इंटर तक है, यानी कि यहाँ पे काफी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो कभी आपने देखा कि यहाँ पे निकलते हुए किसी भी तरह की कोई घटना घटी हो? ऐसे तो नहीं हुआ है। कभी कोई बच्चा गिरा हो कपड़े खराब? अच्छा अच्छा, अभी तो इस साल तो बरसात कम हुई है, हमेशा बरसात होती तो कैसा है यहाँ की स्थिति कैसी हो जाती है? और अच्छा गर्मी लग रहा है ना। ये देखिए ये सारे बच्चे हैं बात करने के लिए, ये देखिए ये रास्ता गया इनका। कुछ महिलाएं भी हैं जो बात करना चाहेंगी। ये रोड है जो कि अंदर गांव के लिए गया है और यहाँ पर स्कूल है हाई स्कूल इंटर का, और इसी रोड से निकलते हैं। इस साल बारिश कम हुई है। नहीं छोड़ नहीं, अरे मारा प्राची इस तरह से। यहाँ पे कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग शांत रहें। शांत रहें।
क्या नाम है आपका? बताइए। ममता नाम। कहाँ से आ रही हैं? यहीं पे घर है मेरा, राजघाट नवादा में। नवादा में राशन लेने गई थी क्या? नहीं, हम तो आ रहे हैं हॉस्पिटल से। अच्छा, हॉस्पिटल से। तो ये रोड खराब होने से कोई दिक्कतें होती हैं आपको? जब रोड खराब है दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो जरूर होगा। क्या? अब गाड़ी छकरा नहीं चलेगा तो आप कैसे हम घर पर पहुँचेंगे? आजकल के जमाना है एसी वाला, दुचक्का वाला। चक्का लेकर के आएंगे तो कुछ दूर गाड़ी रुकाएंगे, दरवाजा पर गाड़ी लेकर के जाएंगे। सर, यहाँ पे जब शादियाँ होती होंगी तो फिर कैसे आना होता होगा गाड़ियों का? दूर ही दरवाजा लगते हैं। अच्छा। यहाँ पक्की है, जहाँ पे खरिहाने के दिन है तो खेत खराने में दरवाजा लगते हैं, डीजे बजते हैं। हमारे रोड पर गाड़ी पर नहीं दरवाजा लगते हैं। हट जाओ बच्चों आप लोग। अच्छा, दरवाजे पे आपकी गाड़ी नहीं जा पाती? नहीं, कुछ दूर ही डीजे बजते हैं। अच्छा, बहुत दिन से लाइट भी नहीं। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इसकी? इसको मुखिया जी से कभी नहीं बोले हैं कि पास करवा दीजिए तो रोड बन जाए? ना देखी था थी ना मुखिया जी, आते जाते ना मुखिया जी नहीं रास्ता से जाते थे, आते थे ना गाँव के बाद ना आते ना जाते थे ना देखी था थी ना आँख उन पर फुटल है ये जानी था थी। मुखिया के हम जब कहे ई बनावा ऊ बनावा ऊ बनावा, मुखिया नेता के आँख ना है ना देखी था थी ना। तो आप लोग एक बार बोल तो सकते हैं कि आपके गांव में इस तरह की दिक्कतें हैं? तो हाँ बोलेंगे। आपके गांव में कभी नहीं बोला गया उनको? मीटिंग ना होती है। तो मीटिंग में बोलती हैं? हम नहीं जाते हैं मीटिंग में, नहीं जाते हैं। अच्छा, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हट जाइए, हम हट जाइए थोड़ा सा। क्या नाम बाबू आपका? मेरा अरमान। कहाँ के रहने वाले हैं? बहरामा। बहरामा। तो यहाँ कभी आते हैं गांव में? हाँ, पढ़ने आते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। अच्छा, पढ़ने आते हैं। पैदल आते हैं कि साइकिल से? साइकिल से आते हैं। साइकिल से। अच्छा, तो यहाँ पर आपने कभी कोई घटना देखी किसी भी तरह के आने पे रास्ता खराब है तो? वो तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक बार एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो ये रोड हमेशा खराब रहती है या अभी के लिए ऐसी हो गई है? नहीं, हमेशा रहता है, पानी बरसता तो और मुश्किल होता है, साइकिल जाने में बड़ा दिक्कत होती है। सिर्फ साइकिल जाने में? और बाकी? बाकी स्कूटर और पूरा नेटा जाता है। बच्चे अपनी स्थिति बताने के लिए बहुत ज्यादा है और देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर यही रोड है जो कि यहाँ पे जाने के लिए है गांव में। और यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं जो कि पेड़ के नीचे खड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। बताइए आप बोल रही थी ना कि हमारे रोड की खबर निकाली, ये दीदी थी जो कि बोल रही थी कि आप हमारे। हटो बच्चों, आप लोग क्यों परेशान? तो यहाँ पर महिलाएं जो बोल रही थी कि इनके गांव में रोड नहीं है जो कि आने के लिए काफी सारी दिक्कतें होती हैं, तो आप हमारे गांव की खबर निकालिए। मेरे साथ दीदी हैं। क्या नाम है? रोड बने ढंग से बढ़िया से कहो कहियो ने, खाली पुल बन ली तो बन गई है ना, तो पहले बड़ी कीचड़ रहा है तो लाइन बत्ती लाउसी तकलीफ मरी थी आदमी, पानी बाहर लाइनों बाहर, रोड कीचड़ हो जाए तो आदमी जाए उन्हें नदी में गिरते पड़ते। दो महीना तो लैटरिन करे। तो ये जो रोड आपके कभी पास हुआ कि नहीं? ना पास से तेल तो बनती ना हाल है। कभी पास नहीं हुआ? तेल तो बनती ना हाल है। कभी कोई नाप करने के लिए आया? सो ना, जांच करने के लिए ना? कभी नहीं हुआ है। नाप हुआ है? नाप होती है तो बनती ना हाल है। रोड नहीं बना कहाँ का? नाप ना हो रही या बनवे ना कर रही मैडम, कोची कह जाओ बनवे ना करी थी। 50 गज में अच्छा लाइन के भी नहीं ऐसे बात नहीं बोल रही। देखिए ये दीदी कुछ बोल रही हैं, यहाँ पर हैं। एक ये दीदी हैं जो काफी अच्छा बता रही थी। बताइए,
बताइए क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। ये आपका घर है? हाँ। किसी घर में रहते हैं? किसी घर में रहते हैं। अच्छा, ये रोड है तो आपको ज्यादा दिक्कत होती होगी? दिक्कत ना होगा ना, देख रहे हैं कितना कीचड़ है सब, अलग से नीचे की पानी बरसता है तो सब ज्यादा के नीचे आता है, सब नीचे आ जाता है। हाँ, बहुत तकलीफ होता है हम लोग का निकलने में, बहुत दिक्कत होता है। अगर पक्की रोड बन जाएगी तो किस तरह की आप लोगों को आसानी हो जाएगी? आसान हो जाएगा हम लोग को बहुत। क्या परेशानी दूर हो जाएगी आपकी? मतलब किधर पानी बरसेगा तो मतलब कि हम लोग का जो रहेगा वो दीवारी इधर से मतलब की रुकावट कर लेंगे तो उतना पानी नहीं आएगा। सब पानी आता इधर से तो घर में ढुक जाता है तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। रात भी रात के बरसता है तो बहुत परेशानियाँ होता है। रात में जगवारी कर करके घर में से पानी निकालते हैं, उपसते हैं सब, क्योंकि रोड खराब है यहाँ का। रोड खराब है, नाप के ले गया ना, एक डेढ़ साल हो गया अभी तक कोई सोचना नहीं मिला है। डेढ़ साल हो गया? हो ही गया, अभी इधर 10 दिन हुआ रहा है। फिर आया था वहाँ से ब्लॉक से आदमी आया था सरकारी, वो भी लेके गए हैं पूरा सब अथी वीडियो वीडियो बना के रोड के लिए अथी करके ले गए हैं। कोई सोचना नहीं मिला। ये कितने समय से यहाँ पे समस्या चली आ रही है रोड की? हम लोग छोटा छोटा थे तो तब से कभी रोड नहीं बना? नहीं बना, नहीं बनता तो रहता ना, बने नहीं किया था। बहुत परेशानी है यहाँ पे। थैंक यू। देख सकते हैं, बता रही हैं कि बहुत परेशानी है इनके गांव को लेकर के। और क्या नाम दिया आपका? अरविंद कुमार। गांव का क्या नाम है आपके? अकबरपुर। अकबरपुर, अकबरपुर के रहने वाले हैं आप? और यहां पर? यहां पर आए हैं गाड़ी चलाने। गाड़ी चलाने आते हैं तो अक्सर आते रहते हैं आप? हाँ जी। तो आपने कभी कम 20-22 बरस से आ रहा है? तो 20-22 बरसों में कभी आपने देखा ये रोड कभी खरंजा बिछता है किसी भी तरह कुछ भी? कभी नहीं। कभी नहीं, ऐसी स्थिति रहे और स्थिति खराब। धूल, ये जब क्या कहते हैं गर्मी का मौसम होता है तब भी ये स्थिति रहती है? गर्मी में तो मैडम सुखा रहता है, धूल उड़ती रहती है। पानी पड़ेगा तो चप्पल पहन के खाली पहन के जाने में भी दिक्कत है। लेकिन स्कूल जाता है तो कोचिंग चप्पल टांग लेगा उसके बाद जाएगा तो क्या परिस्थिति है बताइए? बहुत स्थिति खराब है। साइकिल लेके जाएगा तो लेकिन तो साइकिल जब नहीं करता है तो क्या करा जाए? परिस्थिति हम तो देख रहे हैं। आप इतने सालों से देख रहे हैं, आते जाते रहते हैं? हम कम से कम 20-22 बरस से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, एक बात आऊ है कि यहाँ लाइन नहीं है, लाइन का व्यवस्था कम से कम चाहिए ना। एक तो एक स्कूल में कल है तो कल एक कल से पानी पूरा गांव के पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, बताइए। थैंक यू। देखा आपने कैसे बताया इन्होंने कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है अकबरपुर के, लेकिन फिर भी इनके गांव ये यहाँ पे हमेशा देखते हैं कि ये स्थिति ऐसी बनी रहती है। और तरह के यहाँ पर अक्सर पानी के जब बरसता है तब ज्यादा दिक्कत होती है। एक दीदी हमसे बात, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अभी बताइए ना। हाँ, गाय बताइए, बताइए बताइए ना। आ रहे हम बताए उस दिन में ना, मैं आया है। हाँ हाँ, बताइए ना। आज आज तो रोड के लिए आए हैं ना? कच्ची रोड है, नाराज है हमसे? नाराज मुखिया जी से नहीं बोलती हैं आप? आपके गांव में आबादी कितनी होगी? हाँ, कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? कितना अब कितना घर बताए? हम पढ़ल ही है। गाँव कितने बता दू का? थैंक यू। देखा आप लोगों ने यहाँ पर कुछ लोग जो गांव के व्यक्ति हैं काफी नाराज भी हैं और कुछ लोग हैं कि जो ऐसी स्थिति है उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस गांव में रोड कभी नहीं बना है, अब देखिए आगे बनता है कि नहीं। इन लोगों ने कई बार बोल भी चुके हैं और जहां तक नापी भी हो चुकी है, आगे बनता है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। मैं